तो फ्रेंड्स आज हम बना रहे हैं हर्बल सोप, वो भी नीम का। कस्टमर की स्पेशल डिमांड आई है कि हमें हर्बल सोप बना के दो नीम का। तो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ क्या क्या हम डालने वाले हैं, जिससे सुपर क्वालिटी का हर्बल सोप हम घर पे बना सकते हैं, जिसकी मार्केट वैल्यू अगर देखें आप रिटेल के अंदर तो 45 से 50 रुपये रिटेल में बिकता है, जो कि इस क्वालिटी का हम साबुन अगर बनाए तो। और इसकी जो कॉस्टिंग है वो हमारी 15-16 रुपये के आसपास आने वाली है पर पीस की। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है हमारे पास सबसे पहले सोप बेस। तो ये हमने यहाँ पर 8 किलो सोप बेस लिया है। दो बर्तन है हमारे पास क्योंकि इसके अंदर 6 kg आता है, जब ये मेल्ट हो जाता है तो थोड़ा नीचे बैठ जाएगा, तो ये 2 kg है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है हमारे पास ग्लिसरीन, कॉस्मेटिक ग्रेड का ग्लिसरीन है ये। और ये है हमारे पास लेवेंडर का फ्रेग्रेंस, क्योंकि कस्टमर ने स्पेशल डिमांड की है कि हमें लेवेंडर के फ्रेग्रेंस के अंदर नीम का साबुन चाहिए। और ये है दोस्तों हर्बल नीम ऑयल, जो कि हमने घर पे तैयार किया था। इसका वीडियो भी हमारे चैनल पे पड़ा है, आप देख सकते हैं कैसे इसको बनाया गया है। और उसके बाद में दोस्तों हमारे पास है ग्रीन कलर, क्योंकि ग्रीन कलर भी हमें इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, नीम का साबुन है तो। और ये हमारे पास नीम का ऑयल हो गया, और ये हो गया हमारे पास विटामिन ई के कैप्सूल्स, तो ये भी हम इसमें ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने गैस को ऑन कर दिया है और इस सोप बेस को हम सबसे पहले मेल्ट करेंगे दोस्तों। और जब ये थोड़ा मेल्ट हो जाएगा तो ये वाला भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा, और बाकी का जो इंग्रेडिएंट्स ये डालूंगा तब मैं आपको वीडियो के अंदर अच्छे तरीके से दिखा दूंगा। तो तब तक ये मेल्ट होता है तब तक मैं वीडियो को स्किप करता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा सोप बेस मेल्ट होने के बाद में नीचे बैठ गया है। तो बाकी का हमारे पास जो 2 kg सोप बेस जो हमने इस बर्तन में लिया था, ये वाला भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मेल्ट होने के लिए। तो ये भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब ये करीब 5-10 मिनट बाद में पूरा मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद में हम आगे का प्रोसेस इसका स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सोप बेस है वो पूरा मेल्ट हो चुका है, और अब हम इसके अंदर सबसे पहले ग्रीन कलर ऐड करेंगे दोस्तों। तो ये है हमारे पास नेचुरल ग्रीन कलर, ये हम इसमें डालने वाले हैं। तो कलर आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, जैसा आपको कलर चाहिए डार्क लाइट उसके हिसाब से कलर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बाकी ये 2-3 ml तक जाएगा 1 kg के अंदर ग्रीन कलर है। तो फ्रेंड्स आज हम बना रहे हैं 50 ग्राम का साबुन। अगर आप 100 ग्राम का साबुन की कॉस्टिंग निकालें तो करीब 15 रुपये के आसपास आएगी, और रिटेल प्राइस 40-45 रुपये रहता है हर्बल सोप का। और 50 ग्राम की बात करें तो इसकी कॉस्ट है वो 7-7.5 रुपये के आसपास आएगी, और इसका जो रिटेल प्राइस है वो 25 रुपये के आसपास जाएगा आपका 50 ग्राम के साबुन का। तो इस प्रकार से काफ़ी अच्छा मुनाफा आप ले सकते हैं। तो ये देखिए हमारे साबुन का कलर सेट हो गया है। 8 किलो सोप बेस में करीब हमारा 40 ml यानी 40 ml कलर गया है 8 kg सोप बेस के अंदर, और आप चाहें तो इसको थोड़ा बहुत और भी डाल सकते हैं डार्क करने के लिए। तो हम एक बार इतना ही डालेंगे, पहले नीम ऑयल ऐड करके देखेंगे इसके अंदर कलर और जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें भी हमारा थोड़ा बहुत कलर होता है। तो ये नीम ऑयल भी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, बाकी 1 किलो सोप बेस के अंदर आप 2-3 ml तक इसको ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मुझे आइडिया है, मैं आइडिया से ले रहा हूँ, तो आप नाप के डालें इसको, ज़्यादा ना डालें क्योंकि ये बहुत हाई क्वालिटी का नीम ऑयल है, तो बिल्कुल थोड़ा सा आपको डालना है, 2-3 ml आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करेंगे इसके अंदर, कलर भी थोड़ा सा हम और ऐड करेंगे, मुझे थोड़ा लाइट लग रहा है। तो करीब हमने 50 ml कलर इसके अंदर डाल दिया 8 kg सोप बेस में। तो ये देखिए कलर हमारा सेट हो चुका है। अब हम फ्रेंड्स इसके अंदर ऐड करेंगे ग्लिसरीन। ये देखिए ग्लिसरीन है, ये भी आपको थोड़ा ही ऐड करना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पहले से इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड है। अगर आप एक्स्ट्रा डालना चाहो तो डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2-3 ढक्कन यूज़ करूँगा, यानी 1 किलो के अंदर हम 5 ml के आसपास यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 ढक्कन ग्लिसरीन इसके अंदर डाल दिया है, करीब 30 ml ग्लिसरीन हमने इसके अंदर डाल दिया है। इसको भी हम एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे, गैस को हम कम कर देंगे।
दोस्तों आपको इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी फोमिंग दिख रही होगी, ये फोमिंग आप इस प्रकार से चम्मच की सहायता से ऊपर से हटा सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये हट जाता है। इस प्रकार से आप इसको हटा सकते हैं। तो अभी दोस्तों हम इसके अंदर ऐड करेंगे फ्रेग्रेंस, तो ये है लेवेंडर का फ्रेग्रेंस, कस्टमर की स्पेशल चॉइस है, तो हम यही इसमें ऐड करने वाले हैं। तो ये हमने यहाँ पर इसका ढक्कन निकाल लिया है, इसको हम ओपन करेंगे और करीब 80 ml हमें इसके अंदर फ्रेग्रेंस डालना है, 10 ml पर केजी के हिसाब से। तो ये हमने इसके अंदर फ्रेग्रेंस ऐड कर दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है लेवेंडर की। दोस्तों हमें इसके अंदर हमारा लास्ट प्रोडक्ट है वो ऐड करना है, ये विटामिन ई के कैप्सूल है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये करीब 4 कैप्सूल हम इसके अंदर डालने वाले हैं। तो ये 4 कैप्सूल है हमारे पास, ये हम इसमें डालेंगे। तो विटामिन ई हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है कैप्सूल, 4 कैप्सूल हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अभी हमारा मिश्रण तैयार हो चुका है, हम इसको इस मग में निकाल लेंगे छान के और सोप मोल्ड में इसको डाल देंगे। तो आज हम बनाएंगे 50 ग्राम का साबुन। तो ऊपर थोड़ी बहुत फोमिंग आपको और नज़र आए तो आप हटा सकते हैं इस प्रकार से, ताकि थोड़ी क्लियरिटी साबुन की अच्छी आए ऊपर से। तो यहाँ से हम हटा लेंगे। तो ये है दोस्तों हमारे पास पीएस टाइप के 50 ग्राम के सोप मोल्ड, ये 15 केवीटी का है एक पीस। तो हम इसमें निकालेंगे, तो आप आराम से इसके अंदर फील कर सकते हैं। इस प्रकार से आप आराम से ये सोप मोल्ड समान मात्रा के अंदर आपको फील करने हैं। और दोस्तों अगर आप इस प्रकार का बिजनेस अपने घर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हमारे पास सभी रॉ मटेरियल है वो ये साबुन बनाने का मिल जाएगा। अगर आपको फर्स्ट टाइम के अंदर कम लागत के अंदर ये बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप किट से स्टार्ट कर सकते हैं, हमारे पास किट उपलब्ध है, 1000 रुपये की किट है, उसके अंदर टोटल मटेरियल आता है। उसके बाद में 1500 की किट है, उसके अंदर भी टोटल मटेरियल आता है। और उसके बाद में 2500 रुपये की किट है, फिर 7000 रुपये की किट आती है। तो वो किट आप परचेज करके अपने घर से 1000, 1500, 2500 रुपये में इस प्रकार का बिजनेस है वो घर से स्टार्ट कर सकते हैं। और आप इसको पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं, और अगर आपके घर पे कोई लेडीज़ फ्री रहती है तो वो भी इसको कर सकती है। और मार्केट के अंदर इस प्रोडक्ट की काफ़ी अच्छी डिमांड है, क्योंकि ये अलग तरीके का साबुन है, हर्बल टाइप का मान सकते हैं इसको, आयुर्वेद का मान सकते हैं, और नेचुरल ये साबुन बनता है। तो इसकी डिमांड अच्छी है और प्राइस और मार्जिन भी इसके ऊपर बहुत अच्छा मार्जिन मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप बहुत ही सिंपल तरीके से इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिल्कुल छोटे इन्वेस्टमेंट के अंदर आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए इसके ऊपर हल्की हल्की आपको फोमिंग नज़र आ रही है, तो ये आता है दोस्तों आईपीए, ये हम इसके ऊपर स्प्रे करेंगे इस प्रकार से। कुछ लोग यहाँ पर बोलते हैं कि फोमिंग हटती नहीं है, तो आपको इस प्रकार से इसके ऊपर स्प्रे करना है। तो आप देख लेना, आप वीडियो के सामने यहाँ पर फोमिंग है वो हटा के दिखाऊंगा आपको मैं। तो इस प्रकार से आपको एक दो बार इसके ऊपर ऐसे फोमिंग करनी है, और फिर 2-3 मिनट बाद में आपको इसके ऊपर फोमिंग करनी है। अगर आपका
बेस जल्दी ठंडा हो रहा है, आपने गैस को बंद कर दिया है, टाइम लग रहा है, तो आप इसको 10-15 सेकंड के गैप के अंदर भी इस प्रकार से स्प्रे करेंगे तो ये देखिए फोमिंग हट रही है। तो इस प्रकार से आपको हटानी है, इस प्रकार से स्प्रे आपको इसके ऊपर करते रहना है। तो आपको सावधानी पूर्वक इसको फिल करना है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा फिल हो गया तो ये बाहर निकल गया। तो ये मैं साथ के साथ वीडियो बना रहा हूँ तो उसके चक्कर में कई बार ये एक्स्ट्रा फिल हो जाता है। तो सबसे लो बजट के अंदर स्टार्ट होने वाला बिजनेस है, बिल्कुल ही कम बजट है। अब लोग यहाँ पर बोलते हैं कि 1000 रुपये में हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा, 1500 रुपये में हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा। तो ये जो किट हम दे रहे हैं ये डेमो किट है सीखने के लिए। इससे एक बार जब आप बिजनेस सीख जाएंगे तो 10-15 हज़ार का मटेरियल लेके आप अच्छे तरीके से अच्छा मार्जिन लेके बाज़ार के अंदर अच्छे रेट दे सकते हैं। और जो पार्लर वाले बहनें हैं जो ब्यूटी पार्लर का काम करती है उनके लिए तो ये वरदान है साबुन, बहुत अच्छी सेलिंग है उनके पास। काफ़ी सारी बहनें हमारे साथ जुड़ी हुई है जो ये अभी बिजनेस कर रही है, वो खुद भी बना रही है और हमसे बनवा के भी वो साबुन ले रही है अपने शॉप के लिए। तो आप भी इस प्रकार से पार्लर की जो शॉप है वहाँ पर मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आपकी खुद की शॉप है तो और भी बहुत बढ़िया बात है। तो ये देखिए फोमिंग हट रही है धीरे धीरे, इस प्रकार से हटती है आईपीए का स्प्रे करने से। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ लोग बोलते हैं कि जब हम इसके ऊपर आईपीए का स्प्रे करेंगे तो आईपीए तो केमिकल होता है, ये फिर केमिकल वाला साबुन हो गया। तो फ्रेंड्स ये जो आईपीए का हम स्प्रे कर रहे हैं ये आईपीए ऐसा होता है कि हवा के अंदर उड़ जाता है, हैंड टू हैंड ये साबुन के अंदर नहीं बैठता है। तो हमने जैसे इसके ऊपर स्प्रे किया तो ये ऊपर से हैंड टू हैंड इसका जो असर है वो ख़त्म हो जाएगा, ये हवा के अंदर उड़ जाता है। तो ऐसा घबराने वाली कोई बात नहीं है, इस प्रकार से ये अंदर नहीं बैठता है। तो हमने जैसे स्प्रे किया तो ये हवा के अंदर उड़ रहा है, तो इसका असर है वो 10-15 सेकंड में ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आईपीए के अंदर केमिकल होता है। तो दोस्तों ये आप यहाँ पर देख सकते हैं करीब 157 पीस हमारे बने 50 ग्राम के साबुन के, 8 kg सोप बेस में। कुछ हमने फोमिंग निकाली थी, करीब 3 साबुन के आसपास हमारी फोमिंग निकल गई, कुछ हमारे बर्तन के अंदर चिपक जाता है और कुछ का सोप मोल्ड है वो हमने एक्स्ट्रा फिल कर दिए जो कि साइड से निकल गया था सोप बेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सभी सोप मोल्ड को फिल कर दिए हैं। अब इसको हमें करीब आधे घंटे तक छोड़ना है क्योंकि इसको हम आधे घंटे छोड़ने वाले हैं। छोटे साबुन हैं जो जल्दी जम जाएंगे, 50 ग्राम का साबुन है तो बड़ा साबुन होता है, टाइम ज़्यादा लेता है। तो आधे घंटे बाद में हम इसको बाहर निकाल लेंगे, फिर उसके बाद में आगे पैकिंग का प्रोसेस है वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स करीब इसे आधा घंटा हो गया है और हमारे साबुन है वो बिल्कुल तैयार हैं। तो मैं आपको यहाँ पर क्वालिटी इसकी चेक करवा देता हूँ। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अंदर हमारा साबुन बनकर तैयार हो चुका है, आप यहाँ पर क्वालिटी चेक कर सकते हैं। देखिए कितना प्यारा साबुन है, कितना अच्छा इसका कलर आया है और खुशबू भी इसके अंदर बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है। तो अभी ये 50 ग्राम के अंदर हमारे साबुन बनकर तैयार है, हर्बल सोप हमारा बना है।
सभी हम बाहर निकाल लेंगे दोस्तों एक एक करके, इस प्रकार से उनको बाहर निकालना बड़ा ही आसान है। और ये जो सोप मोल्ड आप देख रहे हैं ये आपके लाइफ टाइम तक चलते हैं, कभी ख़राब नहीं होते। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस प्रकार का बिजनेस घर से स्टार्ट करना है तो आप स्क्रीन पे आपको जो नंबर दिख रहा है व्हाट्सअप नंबर हमारा, उस पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, www.simpleayurveda.shop पे जा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको जानकारी मिल जाएगी। और अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है किट से करना है तो आप किट से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आपको मटेरियल चाहिए तो आप मटेरियल भी लेकर के इस बिज़नेस को अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगर सोचे हम 1500 रुपये की किट आती है, और कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार 1500 रुपये लगा दिया, अगर नहीं बन पाया तो, अरे कोई दिक्कत नहीं है, अगर बन पाया तो आपका बिजनेस चलेगा, अगर आप नहीं बना पाए तो भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने 1000 रुपये में कुछ सीखा तो है। 1000 रुपये आप ऐसे ही लगा देते हैं, जब मार्केट में जाते हैं पिज़्ज़ा बर्गर खा के 1000 रुपये लगा देते हैं, दोस्तों के साथ पार्टी करके 1000 रुपये लगा देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। लेकिन इसमें कुछ सीख तो रहे हैं आप, आपको क्वालिटी का तो पता चल रहा है, चीज़ का पता चल रहा है, क्या क्या डाल के साबुन बनाया जाता है, घर पे आप बना सकते हैं, अपने लिए बना सकते हैं, एक अच्छा साबुन आप घर पे यूज कर सकते हैं अपने लिए बना करके भी। अगर आप बिजनेस नहीं करना चाहते हैं तो केमिकल वाले साबुन से आप बच सकते हैं, जो मार्केट में आपको टॉयलेट सोप मिलता है उस प्रकार के साबुन से भी आप बच सकते हैं, इस प्रकार से साबुन बना करके। तो देखिए कितनी प्यारी क्वालिटी है इस साबुन की, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट साबुन है। देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी साबुन है वो बाहर निकाल लिए हैं, अभी हमारा लास्ट स्टेप बचा है पैकिंग का, तो अभी हम इसकी पैकिंग करेंगे। अब फ्रेंड्स, बारी आती है इस साबुन को पैक करने की। तो पैक करने के लिए आप इस प्रकार से पैक करने के लिए आपको एक तो ये मशीन लगती है जिसको हम सीलिंग मशीन बोलते हैं, ये पाउच के अंदर ऐसे पैक करने होने के बाद में इसे सील कर देती है पाउच को, और काट भी देती है, तो इस प्रकार से आप पैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार की पॉलीथीन के अंदर इसको डालना होता है और सीलिंग मशीन से इसको काटना होता है। तो अभी मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ कि किस प्रकार से आपको काटना है। तो ये जो पॉलीथीन है ये जिस साइड से खुली हुई है उस साइड से हम पहले काटेंगे इस प्रकार से, और फिर इस प्रकार से ये पूरा साबुन है वो अब इस पाउच के अंदर पैक हो गया है। देखिए एक्स्ट्रा जो भी पॉलीथीन है आप काट सकते हैं। और उसके बाद में हमारा ये मशीन लगता है हॉट एयर गन, इसका जो काम होता है इस साबुन को जो पॉलीथीन होती है उसको पूरा चिपकाने का काम होता है, जैसे हम इससे हीट करते हैं तो पूरा पॉलीथीन है वो चिपक जाता है। तो दो मशीन लगती है और दोनों मशीन का जो प्राइस है अराउंड 2000 रुपये के अंडर अंडर दोनों मशीन आपकी आ जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हम इसके ऊपर हीट कर रहे हैं तो ये देखिए पूरा टाइट हो रहा है पॉलीथीन, जो भी आपको पॉलीथीन दिख रहा है ये पूरा टाइट हो रहा है, इस प्रकार से पूरा टाइट हो जाएगा तो इससे साबुन की शाइनिंग है वो बहुत अच्छी आ जाएगी। देखिए इस प्रकार से आप इसको पैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से पाउच के अंदर पहले डालते हैं, फिर इस प्रकार से हीट करके इसको चिपका देते हैं, और फिर इसका फाइनल लुक है वो साबुन का इस प्रकार से आता है। अब दोस्तों इसके ऊपर हमें करनी होती है लेबलिंग, तो लेबलिंग करने के लिए हमें इसके ऊपर लेबल लगाना पड़ेगा अपने ब्रांड का। तो आप अपने ब्रांड का इसके ऊपर लेबल लगा सकते हैं, आप चाहे कुछ भी अपना नाम रख सकते हैं अपने ब्रांड का और इसके ऊपर लेबल लगा सकते हैं। तो अब दोस्तों हम इस पे लगाएंगे स्टिकर, तो स्टिकर आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से हम लगा रहे हैं, इस प्रकार के हमारे पास स्टिकर है, और ये 50 ग्राम का साबुन है, इसके ऊपर स्टिकर के ऊपर लवेंडर लिखा हुआ है, इस प्रकार से आप इसको उतारना है। ये गम वाला स्टिकर है, ये किसी भी सोप से आप प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंटिंग प्रेस वाली जो सोप होती है। और यहाँ पर आप क्वालिटी देख सकते हैं स्टिकर लगने के बाद में, इस प्रकार की क्वालिटी आती है ये देखिए। तो स्टिकर लगने के बाद में अपने ब्रांड का नाम आ जाता है ऊपर, और साबुन के ऊपर जो भी हम लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, जो क्वालिटी आप हैंडमेड लिख सकते हैं, होममेड लिख सकते हैं, ऑर्गेनिक सोप लिख सकते हैं,
तो उस हिसाब से इसके ऊपर आप जो भी मेंशन करना चाहें वो कर सकते हैं। देखिए तो ये अपना ये अभी ब्रांड बन गया और ये अब सेल आउट होने के लिए तैयार है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है इन्वेस्टमेंट के अंदर आपका। ये दो मशीन है 2000 रुपये का, इन दो मशीनों का थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा 2000 के आसपास। और बिजनेस आप किट लेकर भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1500-2000 रुपये की किट लेकर के अपना बिजनेस है वो घर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी हम इनके ऊपर स्टिकर लगाने के बाद में इनकी 10-10 की पैकिंग बना करके और मार्केट में इसको सेल आउट कर देंगे।